Second husband. हमारी मुलाकात सड़क पर हुई <laughs> 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 आपने कहा <गाता>, था वो दोस्त थे <laughs> वही बता लियो ना दोस्ती ऐसे हुई थी माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिकल मोमेंट्स मेरे जो एक्स हजबेंड हैं जहाँ सेब उनकी एक मुँह बोली बहन थी अरूज uh, और हारिस की भी वही मुँह बोली बहन थी <laughs> तो so, <laughs> मुझे वन थिंग्स चेंज विद एक्स एंड लॉज तो मुझे बच्चों को अपने ना मुझे लगा कि मेरे बच्चे बहुत डिप्रेस हो गए एंड mm. uh, मेरे से मेरी वीकनेस समझ लें कि मेरे औलाद पाँचों के पाँचों मेरी वीकनेस है mm. कमजोरी है मेरी मैं इसको ओपनली आपके प्लेटफॉर्म पे एडमिट करती हूँ कि मेरे बच्चों की तरफ तो पाँचों बच्चों की तरफ कोई उंगली उठाएगा ना तो मुझे आग लग जाएगी वाई mm. बिकॉज जो उन तीन बच्चों ने और उन जो अब इन पांच बच्चों ने जिस जिंदगी के अंदर पाँव रखा है मेरी वजह से इट्स नॉट ईजी इट्स अ चैलेंज जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है hmm. और इन बच्चों की जिंदगी मेरी hmm. वजह से मेरे सिचुएशन की वजह से नॉट इन अ नॉर्मल हाउस होल्ड तो ऑलरेडी बहुत चैलेंज है, है, है उनके लिए टू मीट अप तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई मेरे बच्चों की तरफ कोई उंगली ना उठाए

आई सर हाँ अभी तो मैं पैसे जमा करूँगी तुम्हारे पास आने के लिए बिकॉज शी यूज़ टू लिव इन दुबई एंड अबूदा ओके तो बताया कि मैं मैं पैसे जमा करूँगी इन दैनल काम लाइक तो उसने मुझे कहा अच्छा न्यू ईयर पर आ जाओ मेरे पास मैंने कहा ठीक है तो आई यूज़ टू मैं उसको ट्यूशन देती थी मैं ओपनली एडमिट करती तो मैंने ना उसका हिसाब बनाना कि अच्छा आज छः सेशन हो गए इनके दस हज़ार हो गए इसके बीस हो गए एंड एवरी मंथ आई यूज़ टू एड दैट टू एन एनविलोप वो एनविलप मैंने संभाल के रखा हुआ था तो उससे मुझे कहा कि अच्छा यू नो वॉट ऐसा करते हैं कि इज़ दिस वन पर्सन ओनली आई बिलीव यू नो बिलीव इन ट्रस्ट इन पाकिस्तान एंड मैं ना उन हारत से कहती हूँ कि तुम लोगों के ना वीज़ा वगैरह करा दे hmm. वहाँ से हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए मैंने ईमेल किया मैंने बड़ी कोशिश की उसको बीच में भाई भाई कह के किसी तरह वगैरह

तो मैं तो कंप्लीटली अपनी फैमिली में इन्वेस्टेड इस पॉइंट हम बाद में आते हैं आई बट सो ये हुआ फिर उसने बहरहाल टू कट इट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेरे बच्चे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब हम बाहर जाने वो तो एटेसन में था ना तो एटेसन में तो हर बच्चा वेकेशन पे बाहर जाता था तो वो पहली बार उसको लगा कि अच्छा यार हम इतने गरीब नहीं हैं शायद <laughs> क्योंकि हम बड़े घर से hmm. मतलब नानों का बड़ा घर उनका सत्तर अस्सी कनाल का घर था बहुत बड़ी लैंड स्टेट थी इन लाहौर तो और जो दादा दादी का घर था वो भी बहुत बड़ा था उनके फार्म्स भी थे उनके रेस्ट हाउसेज भी थे तो हम एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से हम एक छोटे से फ्लैट में आ गए थे जिसम के जिसमें दो कमरे थे एक में माँ रहती थी, थी एक में वो रहते थे बच्चे तीनों और एक इट वाज़ अ इट वाज़ लाइक कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर लाइफ तो वो बेचारे I mean, it was okay, not the pressure wrong के उनके आसपास जितने लोग उनकी वो ऑडी में घूमते हैं बच्चे hmm. उनके मुलाजमों के लिए अलग गाड़ी है और हमारे पास hmm. एक छोटी सी सिटी होती थी विच तो मैंने वो अभी भी है हमारे पास वो तो मेरा ख्याल है तो पिछले 2013 से मेरे पास है wow. तो वो उसको हमने बसंती उसका नाम रखा बसंती तो खैर एनीवेज वो उसकी पीछे मुड़के देखती हूँ उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते समझते क्यों नहीं है सख्त माँ थी बहुत, hmm. बहुत. जिंदगी की जो सख्तियाँ मैं देख रही थी वो ट्रिकल डाउन हो रही थी बच्चों की तरफ hmm. और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मैं फिर एडमिट कर ली <laughs> कि बच्चों पर ही निकलती है माँ बाप की जो भी टफ टाइप है होना mean, नहीं चाहिए आई एम नॉट जस्टिफाइंग ऐसा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बट ऐसा होता ही है बट आय मे बी आप यूर बिंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ ऑल्सो माओ का अक्सर ये भी होता है कि वो सिर्फ उस चीज़ को देखती है जो उनसे गलत गिल्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मदर विच आई कैन सी इन यू आई थिंक होना चाहिए ना नज़र आ रहा हूँ बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने उनके लिए और बहुत कुछ अगर दो सख्ती की बातें की हैं तो तीन या दो अच्छी बातें भी नरमी की भी की होंगी जो आपको याद नहीं है आई एम श्योर दैट इज़ द केस बिकॉज आई कैन सी द लव दैट यू हैव द यू नो द क्लैरिटी ऑफ फोकस ऑफ इंपॉर्टेंस Yeah. So, yeah. <laughs> तो so, हाँ, दुबई हाँ, हाँ. जाएंगे हम और यूनो uh, भारत you know, से मेरी पहली मुलाकात की मुझे कहा कि आप मुझे ना बैंक ट्रांसफर कर दें अब मैं एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड बचपन से एकदम शादी में घुसी जो कि मतलब एक फुल घर था विध जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसमें कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं तो सीधी बात कर रही हूँ अगला बंदा पता नहीं कैसे ले रहा है यानी अब आप, आपने मग जोर से यूं रख दिया ये सोच के वैसे ही बेख्याली में तो अगले बंदे को ये लग रहा है कि अच्छा ये इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है किसी बात पर जो ये बर्तन पटक रही है सो yeah. so, हम ये चीज़ें अपने बच्चों को समझाते नहीं है कि बेटा जब कोई बड़ा बैठा हो तो आराम से चीज़ें रखो वरना लोगों को ये लगता है कि आप शायद गुस्से yeah. में चीज़ें पटक रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं जो आपके इंटेंशन नहीं होती वो आपके गले पड़ जाती तो मैंने इसको कहा कि यार मुझे ना ये बैंक फैंक ट्रांसफर नहीं आती है okay. सीधी बात है तो, मैंने तो भाई मना कर दिया फिर बैंक ट्रांसफर बैंक ट्रांसफर मना कर दी और फिर उसके बाद हाँ। मेरे पास चिल्लर थी ना हाँ। हाँ। हज़ार हज़ार और पाँच पाँच सौ के हाँ। नोट क्योंकि मुझे तो ट्यूशन से ऐसे ही मिलते थे ना तो मैंने तो वैसे ही देने थे अब वो मैंने कुछ पकड़े मेरा ख्याल है ढाई तीन लाख रुपया था मुझे अब याद नहीं है मैंने इकट्ठा करके ना एक इन्वेलप के अंदर भर के रखा हुआ था तो नवंबर आ गया हुआ था नवम्बर की शाम थी ई कॉलनी लाइक के मैंने लाहौर आना है तो आप या तो बैंक ट्रांसफ़र कर दें hmm. तो दैट दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सेलेंट मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र किए किसी गलत अकाउंट में चले गए बहुत मसला होगा मुझे नहीं आते और मेरे पास हैं भी नहीं कि मैं इसके बाद इनको रिप्लेस कर सकूँ सो hmm. so, लिहाजा आप आएंगे तो आप मुझसे ये कलेक्ट कर लीजिएगा सो ये मी एट के मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हुआ तो आप काइंडली मुझे एनवेलप दे देंगे जो भी है पैसे देते हैं मैं चली गई गाड़ी लेके अपनी अपना जंप सूट पहना हुआ मैंने आई यूज़ टू बी ऑलमोस्ट नाइन्टी एट के जी एट दैट टाइम फुल मोटो प्री डायबिटिक बुरा हाल था जिंदगी का लेकिन काम करना था भाई जीना तो था बच्चों की खातिर किसी भी तरह तो वो गाड़ी में बैठी हुई थी नवंबर की शाम थी सर्दी थी मैं आई पाकिन में देखती हूँ कि एच ओस एन की जो सर्विस लेना है ना उसमें एक बहुत छोटी सी गाड़ी है शायद मेहरान थी और उसका टायर पंक्चर्ड है और एक आदमी शलवार कमीज़ में ब्लैक शलवार कमीज में वो टायर की मदद कर रहा है किसी आदमी सर्दी में तो पहले तो मुझे यही चीज बहुत इम्प्रेस की फिर वी ही कार अब पैसे एक्सचेंज करने थे तो ही सैट इन द कार मैंने कहा मैं उसने कहा पेमेंट दे दें मैंने कहा जी ये ले लें उसने कहा काउंट की आप काउंट कर लें अच्छा उसने वो एनवेलप खोला oh, सब हजार हजार पाँच पाँच सौ क्यों चिल्लर यूं देखा

तो कहते हैं तो अगर ये पैसे ले हाँ, चला मैं लेके चलाई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर ये पैसे लेके मैं चला गया बाद में आप hmm. मैंने कहा अगर पैसों से किसी इंसान ने मेरा नुकसान करना है ना तो मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुके हैं hmm. तो पैसे oh, oh, से कोई मेरा नुकसान मेरा ये कहना था उसने कहा अच्छा ठीक है मैंने कहा कि okay, हमारी मीटिंग खत्म हुई ही लेफ्ट मैंने उनसे कहा चले मैं आपको ग्लोरिया जीन्स पर कॉफ़ी पिलाती हूँ उन्होंने कहा नहीं जी थैंक यू वेरी मच मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी अगेन वेरी लूड बट अच्छा मैं अपनी तरफ से पंजाबी होने का पूरा सबूत दे रही हूं कि भाई आओ खाना खिलाऊ आओ कॉफी पिलाओ ओ भाई नहीं ओके okay. जाए जी लेफ्ट वो गया उसने जाके वो अपने है दराज में फेंक दिया ही डिड नॉट अनफोल्ड वट what was written inside जब दो चार पाँच दिन दस दिन के बाद उसे पेमेंट करनी होगी तो उसने वो एनवेलप निकाला एंड वन ही सॉ किस पागल औरत जो बेवा है तीन बच्चों के साथ एक चीजें पढ़ा रही है और अपनी छोटी सी नौकरी की छोटे से पैसों में से इससे तीन लाख इकट्ठे करके ये अपने बच्चों को बाहर लेके जा रही है वॉट द हेल इज रॉन्ग विद वूमन ये उस, उस पैसे की दो हजार तेरह की बात करें yeah. कोई प्रॉपर्ट oh, कुछ भी कुछ भी इन्वेस्ट कर सकती yeah. है कहीं पे भी अपने लिए सोच सकती है वट इज यू अपने बच्चों को बाहर ले जाऊँ